हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब तक का सबसे लंबा मॉनसून सत्र ही चला। मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है। सदन के भीतर आज फिर अब हंगामे के आसार पूरे बने हुए हैं। सदन में बिजली शुल्क संशोधन विधेयक का पारित होगा। 10 पैसे प्रति यूनिट लगेगा मिल्क सेस। इंडस्ट्री पर भी पर्यावरण सेस लगाने का प्रस्ताव है। नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विधेयक, आपको बता दें नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है बोला जाएगा। और साथ ही विधायक विक्रम ठाकुर और अनुराधा राणा रखेंगे प्रस्ताव। ये बड़ी खबर। नियम 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर चर्चा जारी है। तो वित्तीय स्थिति के मामले में फिर सदन तपने के आसार बने हुए हैं। विधानसभा में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। अब तक का सबसे लंबा मानसून सत्र जो है वो ये चला। मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है और जानकारी दे दें सदन के भीतर आज फिर से हंगामे के आसार जो है वो बने रह सकते हैं। सदन में बिजली शुल्क संशोधन विधेयक का पारित होगा। 10 पैसे प्रति यूनिट लगेगा मिल्क सेस। साथ ही इंडस्ट्री पर भी पर्यावरण सेस लगाने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, आज हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी हंगामे के आसार जो हैं वो बने हुए हैं कई मुद्दों को लेकर। ये लगातार ये देखा जा रहा था कि वित्तीय स्थिति को लेकर एक लंबी चर्चा जो है वो होनी थी। बहुत से विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष समेत अपनी अपनी बात जो है वो सभी ने कही। आज इस पर चर्चा जारी रहेगी और आज मुख्यमंत्री का जवाब जो है वो इसके ऊपर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले कल भी सदन में ये अपील विपक्ष से करते नजर आए कि जब मैं अपनी बात कहूंगा तो कृपया संयम बनाए रखे विपक्ष, और विपक्ष जो है वो अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करे, ना कि वॉकआउट या हंगामा जो है वो मेरे जवाब पे यहां पर किया जाए, जिससे जो जनता के सामने जो तस्वीर है कि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि विपक्ष कल भी यही बात कह रहा था, जो हम लगातार ये बात दोहरा रहे थे कि विपक्ष का ये आरोप है कि कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी मुख्यमंत्री या मंत्रियों के बयान ये सामने आते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। तो हकीकत है क्या? क्यों आखिरकार जो तनख्वाह है क्यों डेफर की जा रही है, क्यों उसे डिले किया जा रहा है, या फिर जो अन्य व्यवस्था जो करने की बात की जा रही है आर्थिक संसाधनों की, तो वो किस तरह से की जा रही है। इन तमाम मसलों को लेकर एक लंबी चर्चा जो है वो पिछले कल भी देखने के लिए मिली। आज के दिन भी वित्तीय जो हालात हैं उसके ऊपर चर्चा जो है वो आज होनी है सदन के भीतर, और ये नियम 130 के तहत ही ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। और यही दिलचस्प बात थी कि जो पिछले कल ये प्रस्ताव रखा गया था वो बीजेपी नहीं यानी विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के 3 विधायकों की तरफ से रखा गया था। तो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो विपक्ष को सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई है कि क्या पिछले पूर्व की सरकार के समय से हालात जो है वो इस तरह से बने हैं, या फिर इस मौजूदा सरकार में जो वित्तीय प्रबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो कि वो किस तरह से कारगर साबित हो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक लंबा जो है वो चर्चा आज भी होने की संभावना है। लेकिन जो कल एक विधेयक रखा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था, जो कि बिजली के ऊपर सेस लगाया जाएगा, मिल्क सेस लगाया जाएगा, पर्यावरण सेस लगाया जाएगा, बिजली हिमाचल प्रदेश में महंगी हो सकती है, आज उसको लेकर इस विधेयक का पारण होना है संशोधन के साथ ही। आज अगर पारण होता है तो उससे पहले क्या इस पे चर्चा संभावित है? क्योंकि बिना चर्चा के कई ऐसे विधेयक है जिन्हें लगातार पारित कर दिया गया है इससे पहले भी। तो आज यही होगा कि क्या इस विधेयक को पारित यहाँ पर किया जाता है, और अगर किया जाता है तो क्या जो ग्रीन स्टेट की बात जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कर रही है, क्या वो आने वाले समय में एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए उसे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी चार्जिंग स्टेशन पर भी 6 रुपए प्रति यूनिट की बात जो है वो राज्य सरकार कह रही है, जो कि अपने आप में बहुत महंगा चार्जिंग स्टेशन जो है वो रहने वाला है। तो इसी तरह से क्या पर्यटन व्यवसाय के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, या फिर जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में लोग आते हैं या हिमाचल के ही लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने व्हीकल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर जो है वो अतिरिक्त बोझ इस चीज का पड़ेगा, ये देखना होगा। आज इस विधेयक को पारण जो है वो यहाँ पर करना है। इसके अलावा क्योंकि आज 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत जो है वो यहाँ पर होनी है, कार्यवाही सदन की शुरुआत उसकी होनी है। 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल जो है वो चलना है, और प्रश्नकाल के बाद जो है वो रूटीन में जो चीजें आज होगी वो सबके सामने होगा। लेकिन हंगामे के आसार जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी पूरी रणनीति के साथ आया है। वित्तीय स्थिति को लेकर
हंगामा आज जरूर सदन के भीतर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन सवाल वही है कि क्या प्रश्नकाल के दौरान और जो शून्यकाल होता है आधे घंटे का, क्या उसके अंदर कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज उठते हैं, ये देखना होगा। और फिलहाल आज आखिरी दिन है और अब तक का मॉनसून सत्र का एक ऐतिहासिक सत्र इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 11 बैठकें जो है वो आज के दिन में देखी जाएंगी, आज आखिरी दिन है। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आखिरी दिन मॉनसून सत्र हिमाचल विधानसभा का और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हंगामे के आसार बने हुए हैं और साथ ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो बार है उसका रेट बढ़ाए जाने के पर प्रस्ताव होगा, पर्यावरण स्टैल का और सेस और मिल्क सेस लगाने की भी बात यहां पर जो है वो की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।